मोदी स्कॉल्स ट्रूडो ओवर सिख प्रोटेस्ट इन कैनेडा अगेंस्ट इंडिया। पहली बार है कि कैनेडा दे किसे प्राइम मिनिस्टर ने अड्डी गड के प्राइम मिनिस्टर इंडिया दी अखां चखां पा के कहा कि स्टॉप इंटरफियरिंग इन कैनेडियन अफेयर्स। जिन्हें उन्हां दी सरजमीन ते खलो के कहा कि भाई ये जड़ा विवेक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन मुढ़ले हक ने उन्होंने असी यह सोल है कैनेडा की और असी कोई भी वायलेंस या दूजे पीसफुल ढंग एक्सप्रैस करन दा जिहड़ा हर एक का हक है। कि कोई इंडिया का जी विक्टरी नहीं है कि जी उन्हें मोदी ने कूर के जस्टिन ट्रूडो नूं कहा, उन्हें हाथ भी ठंडे होकर मिलाया, वन टू वन मीटिंग नहीं दिती, साइडलाइन ते ही पुश्ड हिम असाइड। वो जस्टिन ट्रूडो जिहड़ा गाला दिता गया डिनर प्रेजिडेंट ने उहदे च भी शमूलियत नहीं की, जिहड़ा बाइडन और ब्राज़ील और दूसरियां ने किया उहदे च भी नहीं गया। रादर ट्रूडो ने तो इन्हां दे मूँह ते चपेड़ां मारियां और जुत्तियां मारियां पिओ के। सब तो वड्डी जुत्ती सी कि विजिट ते जाण तो एक हफ्ता पहला वो जिहड़ी ट्रेड डील दी नैगोशिएशन जिहड़ी 13 महीने तो चल रही सी, जिहदे बारे अजे 3 महीने पहला कह के हटे सी कि सून इट विल बी सील्ड, मतलब ये है कि भी इस दे उत्ते मोर लग जाएगी। अच्छा। हफ्ता पहला जान तो जस्टिन ट्रूडो जिहड़ा है वो अनाउंस करदा है कि भी असी सस्पेंड कर रहे हैं इंडिया दे नाल दी। ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਘੇਰਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो, सरदार कपूर सिंह बहुत वड्डे स्कॉलर हुए ने 20वीं सदी दे, उन्हां तों एक मैं गल सुनी, उन्होंने कहा कि भी ये किवें हार नूं जित च बदलदे ने ब्राह्मण और किवें ये किस हद तक जाके ये जिहड़े ने अपने मैनीपुलेट करदे ने। हुण अक्सर शंकरा दा जिक्र हुंदा है जिस नूं शंकरा आचार्या कहिंदे ने, ग्रेट टीचर। शंकरा वो है जिस दे नां दे उत्ते धाम कायम किए हुए ने और उस नूं बड़ा वड्डा जान जिहड़ा बनाया होया, जिहदे जिस दी अगवाई थले जदों असीं भी अपने प्रेजेंटेशन च एक डायलॉग मैं अक्सर इस्तेमाल करदा हां कि ब्राह्मणवाद की नीति है कि पहले शास्त्र से मारो, अगर बच जाए तो शस्त्र से मारो। ये इनफैक्ट शंकरा दा ही जिहड़ा सी तौर तरीका सी, एक लर्नड स्कॉलर सी ਉੱਥੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੰਬੂਦਰੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਗਿਫਟਿਡ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕਰਾ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਬੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੌਰੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਸਤੰਭ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਤੂਪੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਸ਼ੰਕਰਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਵਾਪਸ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਨਾਤਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤ ਕਬੀਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਰਣ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਅਜੇ ਉਹ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੈਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਡੀਲ ਬਣਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਦਾ ਸਟੈਟਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੇ ਮਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬਹਿਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਧ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰੇ।
हुण शंकरा जिहड़ा है वो इत्थों तुरदा तुरदा जिहड़ा है वो अपने सी टैलेंटड सी कुछ नूं उहने डिफीट भी किया जिहड़े घट इंटैलैक्ट वाले होणगे पर जदों श्रीलंका दे विच पहुँचदा है हुण सी कि भी वह कि दस रहे सी भी श्रीलंका च किवें बच गया बुद्ध धर्म कहिंदे कि भी उत्थे जिहड़े वड्डे वड्डे उहनां दे बुद्धिस्ट मंक सी वड्डा विद्वानां दा दायराकार उन्हां सामने उन्हूं शंकरा नूं कोई आए ना निरुत्तर हो गया पर कहिंदे भी उन्होंने उन्हां दी क्राउड च जाण तों पहलां वड्डी गिणती दे विच अपने लोग भी विच बिठाए हुए सी कि भी जदों शंकरा निरुत्तर हो जाए उन्हूं कोई जवाब ना आए तो वह रौला पा देन कि हमारे शंकरा जी जीत गए तुसी नारे लाउण लग जाओ दूजे हो जाओ हालां बाद च बौद्धियां ने उन्हां नूं दौड़ा दौड़ू दिता है पर उन्होंने उहदा नैरेटिव यह बनाया बाहर आके कि जी उत्थे दूसरिया ने क्राउड ने हुल्लड़बाजी की वैसे शंकरा जी जीत गए थे तुसी रौला ही पाना है कि भी कह गए जी असी जित गए भावें तुहाडे जुत्तियां फिर रही ने हुण मैं जदों ये जस्टिन ट्रूडो की विजिट भारत की G20 दे लई उस तो पहला उत्थे की होया वापसी तो उन्हों की जड़ा अजय वो स्ट्रक ने दिल्ली ट्यूजडे जहाज खराब करता पता नहीं भी तो गड़बड़ इन्होंने की होनी है तो कैनेडा का अपना जहाज है तो मैं ये देखदा कि भी गल तो यह है कि पहली बार है कि कैनेडा दे किसी प्राइम मिनिस्टर ने अड्डी गड के प्राइम मिनिस्टर इंडिया दियां अखां च अखां पा के कहा कि स्टॉप इंटरफियरिंग इन कैनेडियन अफेयर्स जिन्हें उन्हां दी सरजमीन ते खलो के कहा कि भाई ये जड़ा विवेक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन मुढ़ले हक ने उन्हां नूं असी यह सोल है कैनेडा दी और असी कोई भी वायलेंस या दूजे पीसफुल ढंग नाल एक्सप्रैस करन दा जड़ा हर एक दा हक है उस मौके ते कह रहा है जस्टिन ट्रूडो जाण तों पहलां भी जदों के 10 तरीक नूं ही सरी दे विच रेफरेंडम हो रहा है हुण इह जिहड़ियां दोनों तिन्नों गल्लां ने इह कोई इंडिया दा जिहड़ी आ विक्टरी नहीं है कि जी उन्हें मोदी ने कूर के जस्टिन ट्रूडो नूं कहा उन्हें हथ भी ठंडे होकर मिलाया वन टू वन मीटिंग नहीं दिती साइडलाइन ते ही पुश्ड हिम असाइड वो जस्टिन ट्रूडो जिहड़ा गाला दिता गया डिनर प्रेजिडेंट ने उहदे च भी शमूलियत नहीं की जिहड़ा बाइडन और ब्राज़ील और दूसरिया ने किया उहदे च भी नहीं गया रादर ट्रूडो ने तो इन्हां दे मूँह ते चपेड़ां मारियां और जुत्तियां मारियां भिओ के सब तो वड्डी जुत्ती सी कि विजिट ते जाण तो एक हफ्ता पहला वो जिहड़ी ट्रेड डील दी नैगोशिएशन जिहड़ी 13 महीने तो चल रही सी जिहदे बारे अजे 3 महीने पहला कह के हटे सी कि सून इट विल बी सील्ड मतलब यह है कि भी इस दे उत्ते मोहर लग जाएगी हफ्ता पहला जाण तो जस्टिन ट्रूडो जिहड़ा है वो अनाउंस करता है कि भी असी सस्पेंड कर रहे हैं इंडिया दे नाल दी हुण ये छोटी गल नहीं सी कि ऑल ऑफ ए सडन जे ये दिता है तो उदों और उस तो पहला असी देखते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की शहादत तो पहला कैनेडा की सिक्योरिटी एडवाइजर बीबी कह चुकी सी कि भी जिहड़े असी दूजे मुल्क रशिया चाइना ईरान जिन्हां नूं असी प्रोब कर रहे हैं इंडिया भी इंटरफियर कर रहे हैं और जदों प्रोबिंग दी लाइन जिहड़ी पब्लिक इन्वेस्टिगेशन दी लाइन आई उहदे च ज़ाहर है NDP ने भी प्रवेल कीता इंडिया उहदे च शामिल हो चुका कि भी इंडिया जिहड़ा और ये उहदे च सामने आ जाएगा क्योंकि अगलियां इलैक्शन तक पहुँचते हैं जिवें कंजरवेटिव पार्टी वाल और दूसरे वाल जिवें फंड कर रहे सी इन्हां दा हकीकत सामने आएगी हुण ये दो वड्डे एक्शन सी जिहड़े जाण तो पहला जस्टिन ट्रूडो ने दस दिता सी कि वतीरा कनेडा दा की होएगा जिहड़ा इंडिया दा नैरेटिव है वह तो पिछले झूठा कह ही रहे ने उहदे च तो कोई तब्दीली उहदा एस जयशंकर होए उहदे ते डिमार्श है उहदे ते ट्रैवल एडवाइजरी उहदे ते प्रोटेस्ट उहदे ते हर थां ते खलो खलो के कहिंदे रहे सो उहदे च जे मोदी ने ट्रूडो नूं साइडलाइन दे उत्ते जिहड़ा इह कहा कि जी इह सानूं नहीं पसंद इंडियन कम्युनिटी ते हमले हो रहे ने वेंडलाइज हो रहे ने साडे टैंपल और उत्थे एक्सट्रीमिस्ट साडे डिप्लोमैट खतरे च ने इह तां पहलां भी चार्ज ला चुके ने नवीं गल जिहड़ी सी और जिहड़ी असीं समझदे हां भी सिखां दी इह जित है और जिवें मैं पहलां कहा कि मैनूं इह लगदा है कि भी कैनेडा दुनिया दा उह पहला मुल्क होएगा जिहड़ा खालिस्तान मुल्क नूं रैकगनाइज करेगा मानता देगा क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने जाण तो पहला ये दो स्टैप पब्लिक इन्वेस्टिगेशन और ट्रेड डील दी कैंसलिंग और फिर सिंगापुर तो जहाज़ ने अगे फ्लाई किया सिंगापुर स्टॉप सी प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्थे भी करके
उन्होंने कहा भी मैं मोदी नाल लवांगा भी तुसी इंटरफियर कर रहे हो। हुण इस सारे दे चलदे आ उत्थे जो कुछ भी होया इंडियन मीडिया का तुसी वर्जन हो जिहड़े मैं शंकराचार्य दा हमारे जीत गए हुण तुसी इंडियन मीडिया और जिहड़ी ANI ने रॉयटर दे नाल भी जिहड़ी है भागीदारी की हुई है किस हद तक कूड़ पसार रहे हैं क्योंकि तुहानू जदों तुसी इंडियन मीडिया नू देखदे हो जां उत्थों ओरिजिनेट होण वालियां खबरां नू देखदे हो तो जिवें आटा गुन्नण तो पहला तुसी जड़ा उनू सिफ्ट कर दे सिफ्टिंग उनू कह छानना छानना लाया हुंदा है अदर जे छानना ना लाओ तो तुहानू लगेगा भी हुण जे तुसी आ खबरां ट्रूडो दे हवाले नाल इह देखो तो उन्हां दी रॉयटर कहंदे है मोदी स्कॉल्स ट्रूडो ओवर सिख प्रोटेस्ट इन कैनेडा अगेंस्ट इंडिया कि उन्हें बहुत झाड़ा पाइया स्कोल्ड स्कोल्डिंग जड़ा है वो झाड़ पाना हुंदा है कि भी उन्हें और उही वर्जन हालां जदों तुसी स्टोरी नू विच दा जाके देखदे हो तो वह चार्ज उही ला रहे हैं और जिदे जवाब दे विच जड़ा इसे स्टोरी च वो कह रहा है कि भाई कैनेडा विल ऑलवेज डिफेंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड पीसफुल प्रोटेस्ट ट्रूडो सैड इन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस इन डेली। हुण हेडलाइन तुसी देखोगे भुलेखा खाओगे जी स्कोल्ड किया उन्हें दिल्ली च प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने बाइडन नूं नहीं करन दित्ती दिल्ली च मीडिया उन्हां दा इन्हां नूं लख लानत भेज रहा जहाज भर के तो बाइडन नाल भी गया उह कहिंदा ना ना मोदी नाल भी गल नहीं करनी तुसी प्रेस ने ईवन बाइडन भी उत्थे नहीं करेगा क्योंकि फियर सी बाइडन तो कि भी जे कोई सवाल उन्हूं पुछ लिया ह्यूमन राइट्स दा प्रेस फ्रीडम दा बाइडन ने तो जवाब देना ही तो बाइडन जिहड़ा बेचारा भरिया पीता बैठा सी क्योंकि अमरीका जो दा उन्हें भी इलैक्शन लड़नी है कि भी तुसी उस मुल्क दे नाल सांझ पा रहे हो जिन्हें फ्रीडम ऑफ प्रेस नूं थ्रॉटल किया होया है मणिपुर च की चल रहा है कश्मीर च की चल रहा है और जो ही फिर बाइडन उत्थों ने वियतनाम आना सी वियतनाम आंदे आ उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की उत्थे उन्हें प्रेस फ्रीडम की गल भी की उत्थे उन्हें जड़ा ह्यूमन राइट्स की गल भी की और सवालों की इन्नी कु पछाड़ सी कि वह बेचारा बुढ़ा 80 साल का थकिया कहना हूँ मैं सौन भी जान दो फिर वो तुर गया सौन ले हूँ उत्थे भी उन्होंने पर ट्रूडो ने दिल्ली दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगेन एक लाइन अपने आप जी अहमियत रख दी है और कोट अनकोट है कैनेडा विल ऑलवेज डिफेंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन विचारां दा प्रगटावा खालिस्तान रेफरेंडम विचारां दा प्रगटावा है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस ये बहुत इंपॉर्टेंट लफज है जिहड़ा उन्हें वरत्या है जमीर दी आजादी हुण उहनूं भी कह रहा मोदी नूं कि मैं व्यापार जां तेरे नाल को करन दे लई जिहड़ी साडे मुल्कां दे भी जमीर हुंदी है उहनां दा कैनेडा दा एक ह्यूमन राइट्स दे उत्ते अगेंस्ट माइंस दूजे तीजे जे तुसीं देखो UN दे विच कैनेडा अमरीका नालों अमरीका तो कई बार वो जड़ा वो काउबॉय मैंटैलिटी के थले गंग हो अप्रोच लैंदा है कैनेडा हमेशा जड़ा ह्यूमन राइट्स के मुद्दे ते फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन जड़े अपने सूबे क्यूबैक के लोगों नूं हक दिंदा है और एक बार नहीं दो बार 1980 दे विच क्यूबैक च रेफरेंडम होया 1995 च होया और जे हुण लोड़ पई वो फिर भी करवा देणगे कि कोई नहीं भाई जे तुसीं नाल नहीं रहना चाहुंदे तो हालां दोनों वारी क्यूबैक दे लोकां ने कनेडा नाल रहण दा फैसला कीता हुण वो जमीर दी आजादी एंड पीसफुल प्रोटेस्ट उन्हें कहा जी ये साडा मुढ़ला पार्ट है लेकिन इन्हां ने इस नूं इवें बना दिता है कि जी जिवें मोदी ने झिड़क दिता इसे तरह ट्रिब्यून उन्हें हैडलाइन लाई मोदी फ्लैग्स एंटी इंडिया एक्ट्स इन कैनेडा विद जस्टिन ट्रूडो ट्रूडोज प्लेन सफर स्नैग फ्लाइट डीलेड हालां मैं किसी ने भेजा उन्होंने कहा जी इन्ह ने जस्टिन ट्रूडो क्योंकि खालिस्तान के हक च खलो रहा है तो इन्होंने तो उन्होंने सारे डेलीगेशन हॉस्टेज बना लिया जान के वो जहाज के टायरों की हवा कटती मैं क्यों टायर जमीन तो नहीं दौड़ते जहाज उन्होंने अपना हालां इन्हू कोई नहीं कहते जी उन्होंने हॉस्टेज लिया गल करो ये क्यों तो उन्होंने छुड़ाइए जाके कहते सिख छुड़ा के लिया कहना उन्होंने उन्होंने बिठा लिया हालां एक फेल्योर भी है पर किसी लेवल ते शरारत भी हो सकती है हाँ क्योंकि ट्यूजडे हुण उन्हें फ्लाई करना है पर इन्होंने जिहड़ा हुण दूसरा सी इन्हां दा बाबू शाही वर्गे जिहड़े हिंदू तो भी कामरेडी बाणे च कामरेड हिंदू तो भी बाणे च ने उन्हें हैडलाइन दिता है ट्रूडो स्पीक्स ऑन खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म और हैडलाइन ला रहा है वी आर ऑलवेज देयर टू प्रिवेंट वायलेंस पुश बैक अगेंस्ट हेटरेड हुण ये उहदा सेकेंडरी पार्ट है उन्हें कहा जी पीसफुली कॉन्शियंस और फ्रीडम हक है हाँ
असी कोई भी जी नफरत या वायलेंस वो खिलाफ है उदो कोई सिख कर भी नहीं रहे, कोई खालिस्तान रेफरेंडम कोई वायलेंट एक्ट तो नहीं है। और इस तरह असी जे इन दूसरिया देखते हैं इंडिया न्यूज़ NDTV न्यूज़ डेस्क की हेडलाइन थ्रेटनिंग इंडियन कम्युनिटी PM's फर्म स्टैंड ऑन एक्सट्रीमिस इन कैनेडा, वो किहड़ा कद्दू च तीर मारिया फर्म बथेरे तुहानू जिहड़ा PM मोदी कन्वेड टू मिस्टर ट्रूडो दैट एक्सट्रीमिस्ट एलीमेंट्स इन कैनेडा आर प्रमोटिंग सेसेशनिज्म इनसाइटिंग वायलेंस अगेंस्ट इंडियन डिप्लोमैट्स डैमेजिंग डिप्लोमैटिक प्रेमसिस एंड थ्रेटनिंग द इंडियन। हुण ये सारे झूठे इल्जाम, लेकिन तुसी मीडिया का जदों मैं कहा कि भी ये जिहड़ा वो शंकरा तो निकलिया होया कि शास्त्र से मारो तुसी झूठ किवें बोलना है जदों तुहाडा बंदा हार गया किसी भी आर्गूमेंट तुसी उच्ची उच्ची रौला पा गए जीत गए जीत गए हैं, तो हुण ये भी अंदरों कुट पै के निकल रही होए मूँह सुजा ऐदा दे साइन बना के आ जाओ विक्टरी विक्टरी जी। रात सतना बहुत बहुत शुक्रिया सतने ब्रेक व्यूअर्स, तो सने इसे तरह बने रहना, मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।